कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाने की मांग कांग्रेस पार्टी में उठने लगी है। लोकसभा चुनाव 2019 में हार के बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से ही राहुल गांधी राजनीतिक चर्चा से दूर दिख रहे थे और उत्तर प्रदेश के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार चर्चा में बनी हुई थी। इससे प्रियंका वाड्रा की कद पार्टी में बढ़ने लगी और कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने तो प्रियंका गांधी वाड्रा को अध्यक्ष बनाने की मांग करने लगे, लेकिन सोनिया गांधी अपने बेटे को सेट करना चाहती है। यही वजह रही कि राहुल गांधी के इस्तीफा देने के बाद प्रियंका वाड्रा की बजाय सोनिया गांधी ने पार्टी की कमान संभाली और अब गांधी परिवार के वफादारों ने एक बार फिर से राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की पैरवी करने लगे। कांग्रेस के प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल के बाद अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाने की वकालत की है। बघेल ने कहा कि राहुल गांधी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर बनना चाहिए क्योंकि सभी पार्टी कार्यकर्ता उनके साथ हैं। बघेल ने आगे यह भी कहा कि राष्ट्रीय मुद्दों पर राहुल खुलकर बोलते हैं, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द पार्टी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सोनिया गांधी भी यही चाहती है कि राहुल ही कांग्रेस पार्टी को संभाले और पार्टी में भी राहुल को अध्यक्ष बनाने की मांग जोर शोर से उठने लगी है। लिहाजा ये संभावना बढ़ गया है कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी एक बार फिर से कांग्रेस के राज गद्दी पर बैठकर राज करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।